हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यूट्यूब पर, पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसाइमेशन है तक है एंड गूगल के, तो के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो है जी एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो की काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 88 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम

डिटर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूज़िक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के में पड़ा है आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह इजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है Means इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारी का घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजियम को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर यह इज़िली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में ड्रामेटिकल तो मूवी है, है? है? रोमांटिकूवी है? है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए अब हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो है जी एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात परसेंटेज तो है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला का घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवी

हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरे

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवी

हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरे

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज़ की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा

की तरफ से 88% तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विदे विद्या मालवरे उसी के साथ-साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ-साथ यहां पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेसन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज़ की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदेक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवी की बात करें तो उनमें आप लोगों को रॉकेट सिंह और उसी के साथ साथ चक दे इंडिया जैसी बहुत आप लोगों को इन्हीं की, में देखने को मिलेंगी। राइटर की बात करें तो साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो सुदीप चैटर्जी इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले एडिटिंग की बात करें तो अमिताभ शुक्ला इस मूवी के हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फ़ोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवी की बात करें तो आप लोगों को रॉकेट सिंह और उसी के साथ साथ चक दे इंडिया जैसी बहुत आप लोगों को इन्हीं की, में देखने को मिलेंगी। राइटर की बात करें तो साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो सुदीप चैटर्जी इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो अमिताभ शुक्ला इस मूवी के एडिटी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन तकरीबन तक घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए अब हम बात करें कि इस मूवी की यहां पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो है जी एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात

रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विदे, विद्या मालवे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवी

हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई आर ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ-साथ शिल्पा शुक्ला सगारीका घटके उसी के साथ-साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भाटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप लोगों को रॉकेट सिंह और उसी के साथ साथ चक दे इंडिया जैसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज आप लोगों

और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को सुनना चाहिए में आप लोगों को YRF ही देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी एमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहां पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की

की तरफ से 88 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विदे विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवी

हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विदे विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन्स में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर यह इजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए अब हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो है जी एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 88 तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विदे विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन्स में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फ़ोन एंड आप वहां पर उसे देख सकते हैं जी एमेजन प्राइम वीडियो पर ये इजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहां पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवी की बात करें तो उनमें आप लोगों को रॉकेट सिंह और के साथ साथ चक दे इंडिया जैसी बहुत को लिखा है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चैटर्जी इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो अमिताभ शुक्ला इस मूवी के एडिटिंग हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप लोगों को रॉकेट सिंह और उसी के साथ साथ चक दे इंडिया जैसी बहुत आप लोगों को साथ, साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चैटर्जी इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो अमिताभ शुक्ला इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन्स में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फ़ोन एंड आप वहां पर उसे देख सकते हैं जी एमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहां पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में इस मूवी में, होगा, 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 क्या? होगा क्या तो में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी

की तरफ से 88% तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ-साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ-साथ यहां पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप लोगों को रॉकेट सिंह और उसी के साथ साथ चक दे इंडिया जैसी बहुत को साथ, साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सुदीप चैटर्जी इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो अमिताभ शुक्ला इस मूवी के एडिटर हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन्स में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फ़ोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेसन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ-साथ शिल्पा शुक्ला सगारी का घटके उसी के साथ-साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भाटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप लोगों को रॉकेट सिंह और उसी के साथ साथ चक दे इंडिया जैसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज आप लोगों

एंड आप वहां पर उसे देख सकते हैं जी एमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहां पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की

की तरफ से 88 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विदे विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम

डिटर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूज़िक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह इजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बस आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज

वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरे

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजियम को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर यह इज़िली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में ड्रामेटिकल तो मूवी है, है? है? रोमांटिकूवी है? है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन डोरेशन तकरीबन तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए अब हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो है जी एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तो कि अब हम बात करते हैं कि इस की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहां पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरे

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारी का घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम

हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है Means इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरे

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज़ की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फ़ोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला आता है, वो जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की

की तरफ से 88 तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विदे, विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवी

हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फ़ोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदेक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदेक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए अब हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वह जी एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात

रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज़ की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फ़ोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर यह इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विद्या मालवे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन तकरीबन तो घंटे के अबाउट इस मूवी की रखी गई है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए अब हम बात करें कि इस मूवी की यहां पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो है जी एट पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात

रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी शिमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप

अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान, विदे, विद्या मालवरे उसी के साथ साथ शिल्पा शुक्ला सगारिका घटके उसी के साथ साथ यहाँ पर राशि रावत विवान भटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवी

हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सालिम और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फोन में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फोन आर एंड आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं जी Amazon प्राइम वीडियो पर यह ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहाँ पर लाजमी से देखिएगा हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को मेरे हिसाब से तो एक मरतबा जाननी चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदे ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी चक दे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन

इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी शाहरुख खान विदे विद्या मालवरे उसी के साथ-साथ शिल्पा शुक्ला सगारी का घटके उसी के साथ-साथ यहाँ पर चित्राशी रावत विवान भाटेना मोहित चौहान जयश्री अरोड़ा विभा और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन वो मेन चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सीमित आमिन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज की बात करें तो उनमें आप लोगों को रॉकेट सिंह और उसी के साथ साथ चक दे इंडिया जैसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज आप लोगों

और सुलेमान देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को सुनना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को वाई ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसी के साथ साथ ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्ट कर चुकी है एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी हिंदी में आप लोगों के करीबी फ़ोन्स में जी हाँ आप लोगों के पॉकेट में पड़ा है फ़ोन एंड आप वहां पर उसे देख सकते हैं जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये इजीली अवेलेबल है आप लोग जाइए एंड जाकर इस मूवी को वहां पर लाजमी से देखिएगा